दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वशीकरण साधना के एक अनुभव को लेंगे, जो कभी कभी कोई भी वशीकरण जो प्रयोग होता है वो खतरनाक हो जाता है। कभी कभी उससे जो फायदे होने के बजाय नुकसान होते हैं और कभी कभी उनसे सारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जिन्हें हम षटकर्म कहते हैं, ये बहुत ही सावधानी से करने चाहिए और इनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ होने पर शक्तियाँ काम तो करती हैं लेकिन कभी ना कभी आपका बुरा हो जाता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची दास्तान को लेने वाले हैं जिन्होंने अपने नाम बताने के लिए मना किया है। शहर का नाम सिर्फ कह रहे हैं, उन बता देना बाकी, क्योंकि ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई है तो इस वजह से मैं उनका नाम नहीं मिटा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बाकी आपका जो है लेटर जो है प्रकाशित किया जा रहा है और मंत्र में भी कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं ताकि लोग इसका गलत प्रयोग ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इनका अनुभव किस प्रकार से है और क्या क्या इनके साथ घटित हुआ था। नमस्ते गुरुजी, धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम है और मैं मोहब्बत और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जिसे इन्होंने कहा था वो उसके बारे में ये आगे लिख रहे हैं, तो उसके संबंध थोड़ा सा छुपा दिया है मैंने। वो आगे चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनको एक कंपनी में एक रूम मिला था, तो वहाँ पर ही अकेले ही रहते थे। तो कंपनी के स्टाफ में एक लड़की आई थी और स्टाफ में काफ़ी नई उम्र के लड़के थे जो उस पर ट्राई करते थे, उसे फंसाने की कोशिश किया करते थे। उस वक्त मैंने एंड्रॉयड का नशा जो है फ़ोन ले लिया था, एक एंड्रॉयड जैसे होता ही है जब फ़ोन लेते हैं, एंड्रॉयड जो होता है वर्जन आते रहते हैं बहुत सारे। तो मैं सोचता था कि मेरे साथ ये जो लड़के हैं ये कहीं से फंसा ना लें। गुरुजी, मैं ये बताना भूल गया कि मैं स्कूल टाइम से ही माँ सरस्वती को बहुत मानता हूँ। तो मैं एक दिन सोचता था कि फिर ड्यूटी ख़त्म करके रूम में आकर फ़ोन में गुप्त मंत्र साधनाएँ तंत्र शाबर मंत्र वगैरह देखता रहता था। तो मैंने एक शाबर मंत्र देखा, वो मंत्र वशीकरण का था। गुरुजी, आप इस मंत्र को यूट्यूब पर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आपको बता रहा हूँ, इस पर बात का डर है कहीं लोग इसका गलत प्रयोग ना करें। मंत्र इस प्रकार से है और ये मंत्र अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि मोहिनी माता मोहिनी पिता भूत सिर बेताल उड़े काली, अमुक को जाके लगे ऐसी जाके लगी, लग जावे अपनी मोहब्बत की आग ना, सोते सोते मुख देखे सिंदूर चढ़ा वगैरह वगैरह, इस तरह में आगे दिया हुआ है। तो ये इस तरह के जो है लास्ट में जो है जैसा कि बोला ही जाता है गुरु मंत्र ईश्वर इनका तमाशा वगैरह। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपा रहा हूँ इसलिए जो है नहीं बोल रहा। इस मंत्र का जो है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार शुरू कर सकते हैं। लड़की की फ़ोटो के आगे एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जपना होता है। 21 दिन तक यह प्रयोग करना होता है। कोई कितना भी हठधर्मी हो इस मंत्र से जरूर वश में हो जाता है। तो गुरुजी, मैंने माँ शारदे की पूजा व्रत छोड़कर इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। शुरू के 2 दिन तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, 3रे दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। कंपनी में लाइट 24 घंटे रहती है। गुरुजी, मैं ये साधना करके बंद कर कमरे में रात के समय दूसरे पहर में लड़की के रहने की दिशा की ओर बैठकर करता था। कमरे में 2 बड़ी लाइटें थीं जो रात के में दिन जैसी ही रोशनी देती थी। 4थे दिन ऐसा लगा कि भयानक मुंह वाला खुले बालों वाला मुझे कोई देखकर हंस रहा है। मैं इग्नोर करके अपनी 108 जाप पूरा करता था। कमरे के में रखा सामान हिले या गिरे मैं विचलित नहीं होता था। दिन प्रतिदिन अनुभव बढ़ते चले गए और 10 दिन बाद मेरी उस लड़की से बात होना शुरू हो गई, जबकि ये साधना 21 दिन की है। मैंने 15 दिन की, क्योंकि 13वें दिन जब उस लड़की से फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो गया तो उसका बार बार फ़ोन आने लगा। तो वो कहती थी कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है जो मुझसे बात नहीं करते हो, कई तरह की कसम देने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो साधना पूरी करूँ या फिर मैं साधना छोड़ दूँ। लड़की का मीठा मीठा बोलना ऐसा ही होता था। मैंने उसकी तरह तरह की बातों में आकर साधना ही छोड़ दी। मैं उस लड़की से मिला, मैंने उसको पाने के लिए दिन रात एक किया। घर वालों को बताया तो घर वालों ने मना कर दिया। मैंने घर वालों से बात करना भी इस बारे से बंद कर दिया, घर जाना भी बंद कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके घर वाले उसे यातनाएं देने लगे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। 2016 में होली से 10 दिन पहले माँ शारदे की तस्वीर गिर गई। पता नहीं उस चक्कर में पढ़कर मैंने पूजा पाठ सब छोड़ दिया था और वो तस्वीर का शीशा बहुत बुरी तरह से टूट गया था। मेरी नानी तंत्र में बहुत कुछ जानती हैं और वो सात्विक पूजा साधनाएं करती हैं और जानती हैं। मैं जब भी कभी
थका हो जाता हूँ तो वो मेरा मार्गदर्शन करती हैं। मैंने उन्हें फ़ोन पर बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, पर शाम को 8 बजे करीब फ़ोन आया कि तू घर चला, मैं घर आ जा, किसी की बात मत सुन, बस तू वहाँ से यहाँ आ जा। मैंने सोचा ऐसे ही कह रही, फिर सुबह फ़ोन आया कि आज ही तू मेरे पास आ जा और होली को बाद कंपनी वापस चले जाना। मैंने कहा छुट्टी तो नहीं मिलेगी, तो मैं देखता हूँ। उसके बाद फिर मैंने लड़की से बात की उसकी कहानी, और फिर होली के 9 दिन बाद मुझे छोड़कर जा रहे हो ऐसा उसने कहा। मैं इस बात पे और भी ज़्यादा समझा और कहता है कि प्यार अंधा होता है और कुछ ना कुछ कर दिखाता है, ना उससे कुछ दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। मैंने अपनी नानी की बात को अनदेखा कर दिया, यह मेरी बहुत बड़ी गलती है। 1 दिन बाद और मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस हो गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं डिपार्टमेंट छोड़कर कहीं चला जाऊँ, ये सब छोड़कर ही चले जाऊँ। मैंने अपने मैनेजर से कहा कि मेरा विभाग चेंज कर दो, मुझे नहीं रहा रहना है यहाँ। उन्होंने भी कहा ठीक है, होली के बाद दे देंगे तुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हर होली पर आकर ही रुक जाता है, क्या है हो रहा है ये सब। उसके 7 दिन बाद मेरे साथ कंपनी में एक हादसा हो गया, मैं जल गया। आसपास के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज कहीं पर भी नहीं पकड़ा, इतनी आग निकल रही थी कि शरीर से रोएं तक जा रही थी। बहुत बुरी तरह से मैं झुलस गया था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एक अस्पताल में मुझे जनरल एनेस्थीशिया के 2 इंजेक्शन लगाए गए। उसके बाद मुझे देहरादून के जॉली ग्रांट में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ ले जाया गया, वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई। मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी, जब तक एनेस्थीशिया और एलर्जेसिक का असर रहता था तो ठीक, उसके बाद हालत बहुत बुरी रहती थी। घर वालों को 1 दिन बाद बताया जब कंडीशन क्रिटिकल से कंट्रोल में आ गई थी। उसके बाद 3 दिन तक ICU में रहा, फिर बहुत बुरे तरीके से फीवर रहा। 28 दिन बाद छुट्टी मिली, वो लड़की एक बार देखने आई। उसके बाद 2 महीने घर रहा। लगभग 2.5 महीने बाद मैंने अपने पैरों पर खड़े होना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं दोबारा कंपनी में गया, सब लोग मिले मुझे देखने आए। फिर मैंने 15 दिन बाद कंपनी चेंज कर दी। उसके बाद वो लड़की मेरे साथ 6 महीने और रही। उसके बाद एक दिन उसने कहा मैं आपका साथ दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, रोज का सुबह शाम हमारा फ़ोन पे जो है झगड़ा, जैसे कि होता ही है लोगों के बीच में, उस तरह से झगड़ा होने लगा। नशे में मैं रहने लगा, गांजे और अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीने लगा। एक दिन बिना नशा किए छत पर बैठा था, YouTube पर भूत प्रेत चुड़ैलों की वीडियो देख रहा था, तभी मुझसे ऐसा लगा जैसे कोई है, क्योंकि डिप्रेशन में रहने के कारण मैंने ठान लिया था कि मैं जल्दी जल्द सुसाइड कर लूँगा। मैं सुसाइड के तरीके सोचने लगा। जिस दिन मैं चुड़ैल के भूत प्रेत की वीडियो देख रहा था, छत की 4th फ्लोर यानी पर घर के टॉप फ्लोर पर बैठा था। 9 बजे का टाइम था, मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं अकेला था, फिर लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो मुझे नीचे फेंक देगा। मैं बैठा रहा, फिर अचानक मुझे लगा कि दीपक भाग यहाँ से। मैं नीचे की तरफ भागा, मेरे मुंह से इतनी तेज़ आवाज़ निकली कि सब डर गए। बहुत तेज़ी से चीखा पर पता नहीं क्यों मैं सीढ़ियों पर गिरता पिरता बचा और फिर मकान वाली आंटी आई और मुझे लेकर गई। फिर उन्होंने मुझे लोबान और गूगल का धुआं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी माँ शारदे के को मन ही मन प्रार्थना की कि हे माँ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, मेरी लाज मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है, मैं खुद को आपके को सौंपता हूँ। मैंने फिर से लगभग 1.5 साल बाद पूजा व्रत शुरू किए, व्रत रखने शुरू किए। डिप्रेशन धीरे धीरे ख़त्म हुआ, मैं बच गया। मैंने घर वालों को कोई खबर नहीं दी इस बारे में, लेकिन सुसाइड करने का विचार मन से नहीं गया। फिर एक दिन मैं हरिद्वार जंगल में जो है बैठा हुआ था, सोचा कि एक लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, कितना बुजदिल हूँ मैं, नालायक हूँ, डरपोक हूँ। फिर सोचा शादी नहीं करूँगा, ये ठीक है, सुसाइड से तो उसे लायक बन के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर 2018 में किसी और से शादी कर ली। मैं सोचता रहा वो कभी तो समझेगी, मगर मैं गलत था, उसने मुझे कभी भी नहीं समझा। उसके बाद एक लड़की और मेरी लाइफ में आई, लेकिन मैंने कह दिया मैं कभी शादी नहीं करूँगा। फिर वो अभी भी कनेक्ट में है, लेकिन मेरा किसी न किसी बात से मन नहीं रहता। अब गुरुजी मेरा मन नहीं करता है कि मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दूँ, बस मन करता है कि मैं माँ शारदे के चरणों में पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ। इनकी पूजा साधना मंत्र व्रत आदि उम्र भर करता रहूँ। मेरे हाथों पर जलने के बाद सफ़ेद निशान हैं। घर वाले सर्जरी के लिए बोलते रहते हैं। पहले तो मैं हरिद्वार रहता था, अब घर आ गया हूँ। नौकरी छोड़कर अब बिजनेस ज्वाइन किया है। डेली कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में रहता हूँ। हर कोई सर्जरी के बारे में कहता है मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है गुरुजी, रोज़ नए डॉक्टर्स से ही मिलना। घर वाले लड़कियाँ देख रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं है एक शादी का, ना ही मुझे इंटरेस्ट है शादी में। अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं घर वालों को बोल बोलकर थक गया हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं ज़िंदगी भर कुमारा ही रहूँगा। लेकिन घर वाले कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मैं कहता हूँ कि एक कान गूंगा एक कान बहरा, अब मुझे छोटे और हैं उसकी शादी कर दो।
प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे जीने दो, अब मैं अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करता हूँ और अपनी माँ शारदे का ध्यान करता हूँ। गुरु जी अब मैं बताता हूँ मुझे कहाँ गलती हुई थी। मैंने शाबर मंत्र 15 दिन जपने के बाद माँ शारदे के सामने हाथ में जल लेकर ये कहा था कि हे माँ, इस लड़की के सारे दुख दर्द मुझे दे दो और मेरी सारी खुशी इसको दे दो। उसके बाद से मेरा सारा सब कुछ ठीक नहीं रहा। फिर जब पता चला कि उसकी शादी हो गई है तो कुछ टाइम बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद मुझे याद आया कि मैंने यहाँ गलती की है। मैं जला उस रास्ते में वो जाने वाली थी, बस पता नहीं मैं क्यों चला गया। और उसके बाद और भी बहुत कुछ मेरे साथ बुरा हुआ, पर मैंने एक दिन हाथ में जल लेकर माँ के सामने अपने से वचन वापस ले लिया है। अब ठीक है सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है शादी करके। मुझे महसूस होता है कि जब से मैंने माँ का ध्यान करना शुरू किया है, मुझे पहले से महसूस हो जाता है जो भी कुछ घटित होने वाला होता है। और रही बात शादी की, 1.5 साल और है, उसके बाद नहीं। मैं ये बात भी मुझे महसूस हो चुकी है स्वप्न के माध्यम से। मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी माँ सरस्वती के चरणों में बिताना चाहता हूँ। मेरी नानी भी मेरी शादी के लिए चिंता करती रहती है। वो मेरे मन से मस्तिष्क में क्या चल रहा है सब जान लेती है। मेरी मम्मी भी मुझसे पूछती रहती हैं कि मेरे बारे में, और वो कहती हैं कि जग हसाई हो गई है, जिस तरह तू मन विचार करके ज़िंदगी को रोक कर फैसला करके बैठा हुआ है। गुरु जी मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, आपका शिष्य। जय माँ शारदे, जय माँ सरस्वती। तो देखिए इनकी जो कहानी है उससे आपको पता चल गया होगा कि किसी भी प्रकार का जो प्रयोग होते हैं उसका क्या असर हो सकता है, उससे कितनी स्थिति बिगड़ सकती है। और पहली बात तो जब साधनाएं की जाती हैं, तांत्रिक साधनाएं, तो उनमें वो बीच में नहीं छोड़ा जाता। सबसे पहले गुरु मंत्र लेकर के साधना करनी चाहिए ताकि किसी भी साधना का बुरा असर आपके ऊपर ना हो। पहली गलती तो यही रही। दूसरी बात, आपका जो इष्ट मंत्र था यानी माता शारदे का मंत्र जो था उसको आपने छोड़ दिया। माता ने आपको संकेत भी दिया उनकी जब मूर्ति टूट गई या शीशा जो है टूट गया, शीशा टूटना भी अशुभ माना जाता है, वो भी संकेत था आपके लिए कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है आपके साथ में। और फिर संकल्प लेके कभी कुछ ऐसा नहीं मांगा जाता है। संकल्प में आप ये मांग सकते थे कि आप उस कन्या को जो है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दीजिए, मेरी साधना का फल उसे दे दीजिए। लेकिन ये मांगना कि भाई उसका जो है मुझे दे दीजिए, मेरा उसको दे दीजिए, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि पता नहीं उसके भाग्य में क्या है, उसके प्रारब्ध में क्या था और आपने उसका जो है अपने पे मांग लिया, तो हो सकता है वो एक्सीडेंट वगैरह जो कुछ होना था उसका होना था, वो आपका हो गया इसीलिए। तो खैर जो गलतियां हो गई गलतियों से ही आदमी सीखता है। दूसरी बात, अभी केवल आप 26 वर्ष के हैं आपने बताया है, आप निश्चित रूप से लड़की ढूंढिए और ऐसी सात्विक लड़की ढूंढिए जो आपके मैच करती हो। जिस तरह आप साधनाएं करते उसी तरह साधना करने वाली लड़की होनी चाहिए, अच्छी लड़की होनी चाहिए, सात्विक लड़की हो, ऐसी लड़की आप ढूंढिए, उसके साथ विवाह कीजिए। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा, क्योंकि हमारी गलती क्या होती है, हम अपने मैच के हिसाब से लड़कियाँ नहीं ढूंढते, हम अपनी इच्छा के अनुसार लड़कियाँ ढूंढते हैं। इच्छा से लड़की सही नहीं मिलती है, आपके मैच के अनुसार लड़की मिलनी चाहिए, यानी कि आपसे, आपके स्वभाव से, आपकी सोच से मिलती जुलती लड़की। अगर ऐसी लड़की मिलती है तो आपको शादी करनी चाहिए। और वैसे भी शादी ना करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको झटका लगा या दुख हुआ वो बात अलग है, क्योंकि आपने कुछ किया था इसी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। अगर उस चीज़ को हटा दीजिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और उससे भी अच्छी लड़कियाँ दुनिया में पड़ी हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। और साथ ही साथ उनके स्वभाव को ज़रूर समझ लीजिए, जैसा आपका नेचर है उस नेचर की मिलती जुलती हो। मम्मी पापा को बता दीजिए कि मुझे सात्विक लड़की चाहिए पूरी तरह से, बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हो जो दुनियादारी में, जिस तरह की आजकल की लड़कियाँ ज़्यादातर हो गई हैं, क्योंकि विदेशी कल्चर है इसलिए लड़कियाँ ऐसी बनती जा रही हैं, उनमें उनका भी दोष है। लेकिन जो चीज़ आदमी सीखता है चारों तरफ से वैसा ही बनता चला जाता है, तो वो गलत चीज़ें सीख रही हैं। पहले ज़माने में लड़कियां या स्त्रियां जो होती थी अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के बारे में सोचती तक नहीं थी। आजकल तो बचपन से ही बॉयफ्रेंड और लड़के लड़कियां जो है आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब उनको साथी वो नहीं मिलता है तो फिर दूसरी तरफ देखते हैं, फिर तीसरी तरफ, फिर चौथी तरफ, ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्त्रियाँ, बहुत सारे पुरुष आ जाते हैं, तो वो एक प्रकार से उन जानवरों की श्रेणी में पहुँच जाते हैं जो साधारण हैं। वो अपनी श्रेणी को उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर वो जानवर जैसे ही हो जाते हैं उनका स्वभाव, क्योंकि वो फिर शरीरों की तरफ जा रहे हैं ना कि मन की तरफ, आत्मा की तरफ। क्योंकि संबंध जो है वो मन और आत्मा से पवित्र बनते हैं, ना कि शरीर से। शरीर तो वैसे भी मिट्टी का बना हुआ है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आकर्षण वहीं से पैदा होता है, शरीर से ही, इसलिए उस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो मेरा कहने का यही है कि आप ऐसा मत कीजिए कि शादी नहीं कीजिए, शादियाँ बिल्कुल कीजिए। आप इसी तरह माँ की साधना करते रहिए, माँ आपके लिए रास्ता बनाएंगी,
और शुद्ध और सात्विक लड़की ढूंढने के लिए परिवार को कहिए कि बिल्कुल शुद्ध सात्विक लड़की जो पूजा पाठ करने वाली हो, आध्यात्मिक हो पूरी तरह से, उससे शादी कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी सही प्रकार से चले। और सात्विक प्रेम जो होता है वो देर तक टिकता है। राजसी और तामसिक प्रेमों का कोई अर्थ नहीं होता। ज़्यादातर आजकल तो तामसिक ही प्रेम है क्योंकि आकर्षण से पैदा होने वाला प्रेम कोई महत्व नहीं रखता है। जब तक कि दिल ना जुड़े, मन ना जुड़े, और जब और पूर्ण सात्विक प्रेम में आत्मा जुड़ जाती हैं कि आप जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसके प्रति उसके मन में कोई ये भाव नहीं होता कि मुझे इससे कुछ प्राप्त करना है, लेकिन फिर भी प्रेम करती है, उसी तरह पत्नी का भी प्रेम होना चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी सही रास्ते पर जा सकती है, आपकी ज़िंदगी कामयाब होती है और वही पुरुष कामयाब होता है जिसके पीछे एक स्त्री इसी प्रकार सात्विक बन के खड़ी होती है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और विवाह के लिए उसी तरह की लड़की ढूंढिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। क्योंकि जैसे हम लोग पिछले जन्म की बातें याद नहीं है हमें, इसी तरह आप सोच लीजिए कि आपका नया जन्म हो चुका है और आप पिछले जन्म की सारी बातें भूल चुके हैं, उनको सबको भुला दीजिए। तो ये था आज का वीडियो। इसीलिए कहा जाता है कि वशीकरण वगैरह के प्रयोग को बहुत सावधानी से करना चाहिए और मन में पूरी पवित्रता होनी चाहिए, वरना इस तरह के प्रयोग भी गलत हो जाते हैं, ज़िंदगी आपकी बिगाड़ देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।